नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग 1000 पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये हमारा 6ठा वीडियो है और इसमें हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का दूसरा भाग भी आएगा जो कि मैं कल अपलोड कर दूँगा। उस वीडियो में भी हम लोग लगभग 50 यूनियन एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच और फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ लोकसभा मेंबर्स, जो लोकसभा के मेंबर्स जो वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या होती है? क्या वो वैल्यू सेम होती है या डिफरेंट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल साइज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट? क्या स्टेट के साइज पर डिपेंड करता है या फिर डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ वोट्स अ मेंबर प्रेजेंट्स, या फिर नंबर ऑफ वोट्स जो मेंबर प्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, या कोई इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है? तो इसका देखिए सेम तो नहीं होता है, क्योंकि जो गोवा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा और जो जैसे दिल्ली के किसी भी लोकसभा का अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो उसके वोट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये सेम तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिफर्स अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल साइज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट के साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स अ मेंबर रिप्रेजेंट्स। जितना एक लोकसभा मेंबर के पास जितना एक वोट होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होते हैं। हाँ, कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, ये भी सही है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ये भी सही है। यानी कि ये तीन के तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा कहता है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, यानी कि डिफेंस फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट और जो यूनियन होते हैं यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड भी प्रेसिडेंट ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट विच कैन बी मेड ओनली, जो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा जो हटाया जाता है अंडर आर्टिकल 61, तो वो कहाँ पे होता है? तो वो लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर जो है वो उनको इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं। और आपको याद रखना है कि इसमें सिर्फ जो है इलेक्टेड मेंबर्स जो है वही इसमें भाग लेते हैं। इम्पीचमेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों भाग लेते हैं इसमें, लोकसभा और राज्यसभा के। तो इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू इम्पीचमेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के द्वारा उन्हें इम्पीच किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये कहता है। तो पहला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट मे कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवन आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑफिस। प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकता है प्रेसिडेंट का चार्ज लेने के बाद भी, क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन गलत है। प्रेसिडेंट और गवर्नर का चार्ज लेते ही आपकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, वो मेंबरशिप जो है आपकी खत्म हो जाती है। दूसरा ऑप्शन कहता है द प्रेसिडेंट इज नॉट बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो रह सकता है? तो ये भी ऑप्शन गलत है। जैसे ही प्रेसिडेंट का भार आप लेते हैं, प्रेसिडेंट आप बनते हैं, वैसे ही आपको किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको नहीं रहना है। द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ रेंट फिक्स्ड, ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट अपना ऑफिशियल रेसिडेंस जो है उसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए रेंट जो है वो फिक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता था इमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ये गलत है, क्योंकि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है तो उसमें प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है उसे भी डिमिनिश किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इच मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, वन वोट, इसका हो जाएगा सही ऑप्शन वन वोट विद वैल्यू अटैच टू इट एंड ही कैन गिव एज मेनी प्रेफरेंसेज एज देयर आर कैंडिडेट्स। जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो थोड़ा अलग टाइप का इलेक्शन होता है, वो लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें प्रेसिडेंट का जो प्रेफरेंस होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रेफरेंस आपको दिया जाता है। जैसे अगर चार लोग अगर कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो उसमें आपका जो है वन वोट जो है वो आपको, जैसे ए बी सी डी अगर चार खड़े हैं
तो आपको प्रेफरेंस में जो वोटिंग होती है उसमें से ए को पहला नंबर प्रेफरेंस दिया आपने, बी को दूसरा नंबर दिया, सी को तीसरा नंबर दिया और डी को चौथा नंबर प्रेफरेंस दिया, तो प्रेफरेंशियल बेसिस पे उसमें वोटिंग होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन वोट विद वैल्यू अटैच टू इट एंड ही कैन गिव एज मेनी प्रेफरेंसेज एज देयर आर कैंडिडेट, जितना कैंडिडेट्स है उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। जब प्रेसिडेंट का, जब स्पेशली जब मैं लक्ष्मीकांत का पॉलिटी करवाऊंगा उसमें ये सब हम लोग बहुत ही डीप में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का वोट जो है फॉर द इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिटरमिन किया जाता है कैसे, तो उसको किया जाता है ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दो जो टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं, इलेक्टेड एमपीज आपको याद रखना नॉमिनेटेड नहीं इलेक्टेड एमपीज, वो इस इलेक्शन में भाग होते हैं, तो उनके वैल्यू ऑफ वोट्स के आधार पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जो होते हैं इंडिया के, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट ही हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ इधर हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ, देखो ऐसा होता है कि अगर कोई लोकसभा का मेंबर नहीं है तो उसे वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हिस्सा ले सकता है, उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है, या फिर राज्यसभा का मेंबर नहीं हो तब भी उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हिस्सा दिया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 6 महीने के अंदर अंदर में लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, यानी कि विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग द मिनिस्टर बिकमिंग मिनिस्टर ही हैज़ टू बिकम एमपी ऑफ इधर तो लोकसभा और राज्यसभा विद इन 6 मंथ, 6 महीना के अंदर में उसे एमपी बनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, बिल्कुल सही है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, ये भी सही है, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट होते हैं, ये भी सही है, तो ये तीन के तीनों सही है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन, कैबिनेट मिनिस्टर का जो होता है वो कौन एंजॉय करता है रैंक, तो ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक नहीं होता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो होते थे, अब तो नीति आयोग है, तो नीति आयोग का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अभी कैबिनेट मिनिस्टर का पद कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत पुराना है इसलिए इसमें प्लानिंग कमीशन के बारे में दिया गया, नया क्वेश्चन होने से नीति आयोग होता है यहाँ पर, नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक जो है वो एंजॉय करते हैं। अगला क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, द चीफ मिनिस्टर होता है यूनियन टेरिटरी को, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जैसे दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर होगा दिल्ली या पुदुचेरी का, उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसे अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, प्रेसिडेंट का जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो कब से कैलकुलेट किया जाता है, तो जब से वो चार्ज अज्यूम करते हैं उस दिन से प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है चालू समझा जाता है, यानी कि जिस दिन से वो चार्ज अज्यूम करेंगे उस दिन से 5 साल कैलकुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन, अगर प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो किसे देना रिजिग्नेशन किसे देंगे, तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन जो है वो देंगे अगर रिजाइन करना वो चाहते हैं तो ये आपसे याद रखना है, प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहे तो वो रिटेन में वाइस प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रेशन, किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है डिस्क्रेशनरी पावर यूज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन रिटर्निंग अ प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन, अगर कोई बिल उनके पास आता है तो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं वो अपने ओन डिस्क्रेशन पे, अगर वो दोबारा रिकंसिडरेशन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर अगर आता है तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा, उस स्थिति में वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा नहीं भेज सकते, और मनी बिल जो होता है मनी बिल वो मनी बिल में भी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा सकता, यानी कि मनी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही होता है।
अगला क्वेश्चन है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? तो ये है 25 साल। 25 साल लोकसभा के MP बनने के लिए भी है और 25 साल के बाद आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज करेक्ट। इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कैंडिडेट सिक्योरिंग द मेजोरिटी ऑफ वोट इज नॉट ऑटोमेटिकली इलेक्टेड। जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इलेक्टेड नहीं होते। बिल्कुल सही है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स के आधार पर नहीं होता है, वो प्रेफरेंस के आधार पर होता है। तो प्रेफरेंस में नंबर वन पे अगर जो कैंडिडेट ज़्यादा रहेगा वो इंडिया का प्रेसिडेंट बनता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डाउट और डिस्प्यूट अराइजिंग इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट का ओरिजिनल जो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जो ओरिजिनल जो ये होता है ज्यूरिसडिक्शन होता है उसके उसी में आता है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन वन और मोर स्टेट असेंबलीज स्टैंड डिसॉल्व्ड बिकॉज ऑल द स्टेट असेंबलीज फ्रॉम पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। क्या ऐसा? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो इलेक्शन स्टेट असेंबली जो है डिसॉल्व रहेगी वो उसमें हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो उसी समय होगा। ऑप्शन नंबर डी देख रहे थे टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स अलॉटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मच मोर देन द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल स्टेट्स टेकन टुगेदर। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि जो स्टेट्स की जो लोकसभा और राज्यसभा के जो वोट्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन अलग होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो वोट्स होते हैं उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो स्टेट्स से ज़्यादा नहीं होती है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही होती है। पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इमोल्यूमेंट्स। तो प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री सैंक्शन। ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट की सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान क्या इसे घटाया जा सकता है? तो नहीं, जो प्रेसिडेंट का जो सैलरी है उसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के द्वारा जो है वो नहीं घटाया जा सकता है। अगला है दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट। बजट में सेपरेटली शो किया जाता है। तो हाँ, इसे बजट में सेपरेटली शो किया जाता है। और ऑप्शन की दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड। ये कंटिजेंसी फंड में चार्ज नहीं होता, ये कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होता है। तो ये आपको याद रखना है प्रेसिडेंट की सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है और वो यह एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट नहीं करता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसे अपॉइंट करता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को भी अपॉइंट करता है, CGI को भी अपॉइंट करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं जब इलेक्शन होता है उसमें एक प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है वह लोकसभा के स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, प्रेसिडेंट इन तीनों को अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के अगेंस्ट में जा सकते हैं। द प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के साथ उन्हें जाना पड़ता है। अगला ऑप्शन है कि द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु शैल टेंडर सच एडवाइस इन कंसल्टेशन विद हिज कैबिनेट। ये भी गलत है। एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ही मे रिटर्न सच एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। ये भी गलत है, रिकंसिडरेशन के लिए उसे एडवाइस को नहीं भेज सकते हैं क्योंकि ये बाउंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एडवाइस होता है वो बाउंड होता है प्रेसिडेंट पे। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फॉलोइंग प्रिविलेजेस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन सा प्रिविलेज दिया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेज दिया जाता है कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो है उनके कार्यकाल में उसके अगेंस्ट में नहीं चलाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो है प्रेसिडेंट अगर जब तक कार्यकाल में प्रेसिडेंट जो कार्यकाल से हट जाएंगे जब प्रेसिडेंट तो उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स चलाया जा सकता है, लेकिन जब तक वो अपने कार्यकाल में है जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक उन पर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द पावर टू ग्रांट पार्डन्स रिप्रीव और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 72 इज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो पावर जो पार्डन्स जो रिप्रीव और रिमिशंस का जो पावर होता है वो किसके एडवाइस पर किया जाता है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर प्रेसिडेंट देते हैं, यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट के पास कुछ भी अगर बिल आता है या फिर कोई भी एडवाइस आता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के आधार पर ही उन्हें निर्णय लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है द पार्डनिंग पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 कैन बी एक्सरसाइज्ड।
ये किस समय एक्सरसाइज किया था अंडर आर्टिकल 72 जो पार्डनिंग पावर है वो किस समय एक्सरसाइज किया जा सकता है, जो जो ट्रायल जब तक चलता रहता है ना किसी पे उस समय, या फिर ट्रायल के पहले, या फिर ट्रायल के समय में, या फिर ट्रायल के बाद, ये तीनों समय में प्रेसिडेंट जो है वो अपना पार्डनिंग पावर जो है इस्तेमाल कर सकते थे। ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 72 किसी भी समय पर अपना पार्डनिंग पावर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड, जो अनअपोज्ड कौन सा प्रेसिडेंट थे जिन्हें अनअपोज्ड जो है इलेक्शन प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। ये एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलम संजीवा रेड्डी को अनअपोज्ड ही प्रेसिडेंट बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर्स इज यूज, कौन सा इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राज्यसभा के इलेक्शन में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एक कैंडिडेट जो है एक जो लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होगा वो एक वोट दे सकता है एक कैंडिडेट को, यानी कि 10 कैंडिडेट है तो वो 10 वोट दे सकता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर वीटो रिलेटेडिंग टू द, वीटो पावर कब इस्तेमाल किया गया था, तो ये किया गया था इंडियन पोस्ट ऑफिस केस में, प्रेसिडेंट ने पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल सेंड टू हिम फॉर हिज असेंट एंड द पार्लियामेंट वंस अगेन पासेस द बिल इन ओरिजिनल फॉर्म देन द प्रेसिडेंट, अभी इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि अगर दोबारा उसे अगर पार्लियामेंट के द्वारा अगर पास करके भेजा जाता है तो उस बिल पर प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है, उसे दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वो वापस नहीं भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, के इलेक्शन के हिसाब में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सबसे पहला ऑप्शन है द वोटिंग पावर ऑफ एन एमएलए इज मेड प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन ही रिप्रेजेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एमपी या फिर एमएलए उस हिसाब से उनका वोटिंग पावर होता है। दूसरा ऑप्शन है वोटिंग पावर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज मेड इक्वल टू द वोटिंग पावर ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी बिल्कुल सही है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होते हैं उनका, क्योंकि एक स्टेट में अगर 243 अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है और अगर 40 अगर एमपी का सीट है तो एग्जैक्टली जो वोटिंग पावर है वो 40 एमपी का 243 एमएलए के बराबर ही होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। अगला ऑप्शन है वोटिंग पावर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द स्टेट बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये अभी डिस्कस किया हमने, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है द वोटिंग पावर ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड फर्दर डिवाइडिंग द क्वोशेंट ऑब्टेंड बाय 1000, ये ऑप्शन नंबर ये गलत है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे उस समय, अभी तक आपको याद रखना है कि ये ऑप्शन जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है, सुप्रीम जो डिफेंस फोर्सेज का सुप्रीम कमांड होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। द थ्री चीफ्स ऑफ स्टाफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती है, ये प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, सुप्रीम कमांडर जरूर होते हैं लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर में होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल डिफेंस रेस्ट विद द यूनियन कैबिनेट, ये बिल्कुल ये गलत है, जो नेशनल डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है अगला ऑप्शन द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैविंग अ बियरिंग ऑन डिफेंस आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, जो इंपॉर्टेंट बियरिंग्स में जो भी होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स है उसके वही निर्णय लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते हैं डिफेंस से रिलेटेड उस पर चेयरमैनशिप कौन करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स का, तो उस पर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी और डी जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल, जब ना प्रेसिडेंट होते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसमें इंडिया का प्रेसिडेंट कौन होता है उसका, तो ये होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में से कोई अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इंडिया का प्रेसिडेंट का भार संभाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विच इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट के बारे में, कौन सा कथन जो है वो सही है? ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ये बिल्कुल सही है। चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं यूनियन के, सुप्रीम कमांडर भी होते हैं आर्म्ड फोर्सेज के, टाइटलर हेड होते हैं स्टेट के, यानी कि सेंटर के टाइटलर हेड होते हैं ये प्रेसिडेंट, और यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट भी होते हैं, यानी कि यूनियन लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी जाके वो अपना भाषण दे सकते हैं, बशर्ते कि वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये चार के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के द्वारा कौन सा अपॉइंट किया जाता है? चेयरमैन फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, डिप्टी चेयरमैन जो है प्लानिंग कमीशन का ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ये प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करते हैं, ये करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी पीछे हमने वो डिस्कस किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन नंबर तीन जो है वो गलत हो जाएगा, वन और टू बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जो प्रोमोलगेट किया जाता है तो उसका विल लैप्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सिक्स वीक्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, पहली मीटिंग जब पार्लियामेंट की होगी, अगर सिक्स वीक के अंदर पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं करता है तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स कर जाएगा। यानी इसलिए जब भी लोकसभा या लोकसभा की मीटिंग होगी, पहली मीटिंग होगी लोकसभा या राज्यसभा की, उसमें सिक्स वीक्स के अंदर ही अंदर उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, लोकसभा या राज्यसभा की पहली मीटिंग के छः वीक्स के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो किसके एडवाइस पे करते हैं? तो वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं, अपने डिस्क्रेशन पर नहीं करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के द्वारा कौन कौन सा अपॉइंट किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के गवर्नर्स ऑफ स्टेट ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, चीफ जस्टिस और जजेज ऑफ हाई कोर्ट ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, हाई चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन टू और थ्री जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ, जब वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन के काम करते हैं तो वो किसकी सैलरी लेते हैं? तो वो प्रेसिडेंट की सैलरी लेते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बन के काम करेगा तो उसे सैलरी किसकी मिलेगी? वो प्रेसिडेंट की मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस द स्पीकर ऑफ लोकसभा विल एक्ट एज प्रेसिडेंट, गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं। अगला ऑप्शन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स बोथ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट्स फॉर कॉन्टेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी गलत है, क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट 35 बताया गया है कि 35 ईयर्स होने चाहिए, लेकिन मिनिमम एज लिमिट, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी कहता है, इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर द रेजिड्यूअल पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट्स टेन्योर, ये भी गलत है, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होता है उसी समय तक वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजेंबल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, किस इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किस देश के वाइस प्रेसिडेंट के बराबर होता है? तो वो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस टू, वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन होगा वो किसे दिया जाएगा? वो चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को वो दिया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जब भी रिजाइन करना चाहे तो वो प्रेसिडेंट को लिख के रिजाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट पजेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक्सेप्ट दैट ही मस्ट बी जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो उसे कौन सा मतलब वो क्या होना चाहिए तभी जाके वो वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है? तो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर राज्यसभा के मेंबर के लिए वो क्वालिफाई है तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वो क्वालिफाई होंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको टर्म कंप्लीट होने से पहले ही उससे कैसे हटाया जा सकता है? तो वो लोकसभा के द्वारा उसे हटाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इनमें से कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन दे दिया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो ये थे वी वी गिरी पे राज्य जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने रिजाइन कर दिया था टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
अगला क्वेश्चन है, व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट्स एज प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन आर परफॉर्म्ड बाय, दो जिस समय राज्यसभा के चेयरमैन जो प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाते हैं उस समय उन चेयरमैन की ड्यूटी कौन निभाता है, तो ये डिप्टी चेयरमैन निभाते हैं। तो यानी कि जब भी जब राज्यसभा के चेयरमैन प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाएंगे उस समय डिप्टी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी निभाएंगे। यानी कि जो डिप्टी चेयरमैन यानी कौन सा होता है राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन कौन सा होता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जब जब ड्यूटी निभाते हैं एज अ प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी कौन निभाता है, तो वो डिप्टी चेयरमैन निभाता है। अगला क्वेश्चन, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड बाय, ये किसके द्वारा सेटल किया जाता है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, तो ये पीछे भी डिस्कस किया हमने, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये सेटल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन इज स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन होता है, तो वो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी ये राज्यसभा का चेयरमैन को चेयरमैन का पद उन्हें संभालना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट को, ये हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ही गेट्स द इमोल्यूमेंट्स ऑफ, पहले भी हम डिस्कस किया है उस समय वो प्रेसिडेंट का इमोल्यूमेंट उनको मिले। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ रेजिग्नेशन और रिमूवल हैज टू बी हेल्ड, कितने महीने के अंदर में अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर रिमूवल हो जाता है रेजिग्नेशन हो जाता है तो कितने महीने के अंदर में इलेक्शन होना चाहिए, तो जैसे ही वैकेंसी खत्म होती है जैसे ही वैकेंसी आती है उसके जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 6 महीने 8 महीने बाद होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलेक्शन को कंडक्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स द वाइस, वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो है उनके द्वारा जो है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, उसमें इस इलेक्शन में जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो दोनों हिस्सा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन, जो अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन कहाँ मूव होना चाहिए, तो राज्यसभा में उनको मूव करना पड़ेगा, लोकसभा में नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में रेजोल्यूशन मूव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखिए, पहला स्टेटमेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन हु इज टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी अगर खाली हो जाती है तो उस समय कौन उसकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान कुछ भी नहीं बताया गया, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन वन और टू बहुत सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अ रेजोल्यूशन इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट इज पास्ड, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो रेजोल्यूशन वो पास हो जाता है, द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रिमूव्ड, किस डेट से रिमूव होता है, तो फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज पास, जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा इम्पीचमेंट का उसी दिन से प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव माना जाएगा प्रेसिडेंशियल पोस्ट से। अगला क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 14 डेज नोटिस साइंड बाय, जो 14 डेज की नोटिस होती है रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में मूव करने के लिए, तो वो कब मूव किया जा सकता है, तो नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस, यानी कि 1/4 जब तक मेंबर जो है उसको साइन नहीं करेंगे तब तक वो रेजोल्यूशन मूव नहीं हो सकता है। यानी कि अगर अगर लोकसभा में अगर पास होता है उसके लिए, अगर लोकसभा में 543 अगर मेंबर्स हैं उस समय, तो एटलीस्ट 110 के द्वारा वो रेजोल्यूशन साइन होना चाहिए, तभी जाके वो रेजोल्यूशन जो है वो पास माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो अलाउज री इलेक्शन ऑफ पर्सन टू द प्रेसिडेंशियल पोस्ट, यानी प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए री इलेक्शन हो सकता है, एक एक कैंडिडेट कितनी बार भी प्रेसिडेंट इंडिया में बन सकता है, ये इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन सा भाग लेता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं लेता है भाग, क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये भी भाग नहीं लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें भी भाग नहीं लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये बिल्कुल सही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भाग नहीं लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर ही भाग नहीं लेते हैं उसमें, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का किसमें वेस्ट होता है, तो ये प्रेसिडेंट में वेस्ट होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग, जो लेजिस्लेटिव पावर होता है प्रेसिडेंट का वो क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें, द पावर टू समन और प्ररोग द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, हाउस को पार्लियामेंट को समन करना या फिर प्ररोग करना ये प्रेसिडेंट का पावर होता है। अगला ऑप्शन है, द पावर टू समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू रिजॉल्व अ डेडलॉक,
ये भी बिल्कुल सही है, ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं वो, हालांकि प्रिजाइड लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लेकिन बुलाना जो है प्रेसिडेंट का काम होता है। द पावर ऑफ नॉमिनेटिंग ऑफ 12 मेंबर्स टू द लोकसभा, 12 मेंबर लोकसभा के लिए नॉमिनेट करना, तो ये गलत है क्योंकि ये 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो कि जिसे भी अब खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी कहता था राइट टू एड्रेस इधर हाउस एट एनी टाइम, जो इधर हाउस जो हाउस को एड्रेस करने का काम भी प्रेसिडेंट करता है, तो हाँ ये भी प्रेसिडेंट का अधिकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी और डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी 50 क्वेश्चन, मोर देन 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आने वाले वीडियो में हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।